ये तीन तलाक का मैटर, ये बिल तो बिल्कुल ही हम लोग मुसलमानों के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, हम इसको मान ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा कुरान और हमारा शरे है वो बिल्कुल मुकम्मल है। और क्या आज ये कानून बीजेपी ने निकाला, कल दूसरा कानून थोपेंगे कि आप नकाब ना ओढ़ो, फिर कल परसों जी फिर निकालेंगे कि जी आप कपड़ा ना पहनो, तो क्या हम इनके हर कानून मानते रहेंगे क्या? जब हमारा कुरान मुकम्मल है, हमारा शरीयत मुकम्मल है, हम लोग कर सकते हैं, तो जो है ये क्यों ज़बरदस्ती कानून थोपा गया? और दूसरी चीज़, 83% जो फैमिली है हिंदू में है और 86% फैमिली जो है तो मुसलमानों में है, तो तादाद हमारी ज़्यादा है कि इनकी ज़्यादा है, तो कानून क्यों? जब मेरा बस ये कहना है कि ये जो फैसला हुआ है वो रॉन्ग है, सही नहीं है, और सारी महिलाएं इसको सुन के बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, उन्हें पसंद नहीं आई, और मैं बस ये कहना चाहती हूँ। अगर अच्छा हुआ है तो क्या अच्छा हुआ है इसमें? इसमें कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है। अगर ये हमारे अच्छे के लिए होता तो सारे लोग इसके अगेंस्ट होते, सब लोग बोलते इसकी, इसके लिए चेयर करते और लोगों को, लेकिन ये सही नहीं है। और अगर कल को हमारे किसी भी प्रॉब्लम होती है घर में किसी भी तरह की, तो क्या हमारे फैसले में जो ये रखा गया है तीन तलाक का मैटर, तो ये हरदीनगर मुसलमान हमारे जो हस्बैंड हैं हमारे, वो हमसे बोलेंगे तो हम लोग क्या यही करते रहेंगे? छोड़ेंगे उनको, भेजेंगे, वो जेल जाएंगे, वो बाहर आएंगे, तो क्या ये सब सिस्टम चलता रहेगा? और हमारी आगे की जनरेशन इससे क्या सीखेगी? कुछ नहीं। अगर आप गलत मानती तो क्या गलत मानती हैं इसमें? मैं ये गलत मानती हूँ कि इनको ये फैसला नहीं लेना चाहिए, और मुसलमान के लिए बहुत ही बड़ा फैसला है, बहुत ही गलत फैसला है। इसलिए जितनी मुसलमान महिलाएं हैं वो यही बोलना चाहती हैं कि आप इस फैसले को, मतलब प्रूफ नहीं हम कर सकते, ये रॉन्ग फैसला है और हम एग्री नहीं है इस फैसले से।